जय हिंगलाज। ओम हिंगुले परम हिंगुले अमृत रूपिणी तनु शक्ति मन शिवे श्री हिंगुलाय नमः। मैं मुलीबेन ब्रह्म क्षत्रिय आपके अपने चैनल मुलीबेन मीडिया नेटवर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दीजिए। मैंने हिंगलाज माता के एक वीडियो में बताया है कि हमारे घरों में हिंगलाज माता के साथ भैरव जी की भी पूजा करनी चाहिए, उन्हें टालना नहीं चाहिए। मैंने पूजा स्थान में दो नारियल रखने के लिए बताया है, एक हिंगलाज माता का व एक भैरव जी का। भैरव जी को भैरव क्षेत्रपाल भी कहते हैं। आज हम यह जानेंगे कि भैरव जी कौन है, उनका जन्म क्यों व कैसे हुआ व उनकी पूजा माता के साथ क्यों होती है, कितने भैरव जी है व कौन सी जगह पर कौन से भैरव है, यह सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगी। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भैरव जी को भैरव क्षेत्रपाल खेतला जी भी कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि शक्तिपीठ एवं भैरव के बीच में क्या संबंध है। भैरव माता के शक्तिपीठ से संबंधित है। जब माता सती दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को जला दिया, तब भगवान शिव सती का शव लेकर विक्षिप्त अवस्था में ब्रह्मांड में घूमने लगे। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शव के टुकड़े कर दिए। यह टुकड़े जहां जहां पर गिरे वहां पर शक्तिपीठ बन गए। देवी भागवत पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। इन आदि शक्तिपीठों में वहां पर मूर्ति स्वरूप नहीं है। सभी शक्तिपीठों में पिंडियों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब माता के 51 भागों से 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई तो उन सभी शक्तिपीठों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अपने अंश से 51 भैरवों को प्रकट किया। ये सभी भैरव उन शक्तिपीठों में स्थापित माताओं की एक पुत्र की भांति रक्षा करते हैं। इस प्रकार हिंगलाज माता व भैरव का माता व पुत्र का संबंध है। अब हम ये जानेंगे कि काल भैरव कौन है। एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के अघोर रूप की निंदा की थी। उस निंदा पर भोलेनाथ ने तो ध्यान नहीं दिया, किंतु तभी उनके शरीर से एक काजल से भी काली एक महाभयानक आकृति निकली और परम पिता ब्रह्मा पर झपटी। महारुद्र के उस विकराल रूप को देखकर स्वयं परमपिता ब्रह्मा भी स्तब्ध रह गए और भय से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तब महादेव ने उस आकृति को ब्रह्मा पर आक्रमण करने से रोका। उन्होंने उसे भैरव नाम दिया व उन्हें काशी का रक्षक नियुक्त कर दिया। उन्हें ही काल भैरव या महाभैरव कहा जाता है। वे सभी भैरवों के नायक है। ब्रह्मा के पांचवे मुख को जिसने महादेव की निंदा की थी महाभैरव ने ही काटा था। कुल 64 भैरव माने गए हैं, जो अष्ट भैरवों के रूप में 8 भाग में बटे हैं। ये अष्ट भैरव इस प्रकार से हैं: काल भैरव, कपाल भैरव, अतिसांग भैरव, चंदा भैरव, रूरु भैरव, सहार भैरव, उन्मत्त भैरव और भीषण भैरव। ये 8 भैरव प्रमुख है, जिनके सभी के मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। अब हम यह जानेंगे कि 51 शक्तिपीठ कौन कौन से हैं, वहां पर माता का नाम क्या है व वहां पर स्थित भैरव का क्या नाम है। किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर लालबाग कोट पर स्थित है। यहाँ सती माता का किरीट यानी कि शिर का आभूषण या मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति विमला है अथवा भुवनेश्वरी है और यहाँ के भैरव संवर्त भैरव है। शक्ति का मतलब है माता का वह रूप जिसकी पूजा की जाती है और भैरव का मतलब है शिव जी का वह अवतार जो इस माता का प्रहरी है। कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है। वह कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ जहाँ सती का
केस पास गिरा था। यहाँ की शक्ति देवी कात्यायनी है तथा भैरव भूतेश है। करवीर शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। यह शक्तिपीठ जहाँ माता का त्रिनेत्र गिरा था, यहाँ की शक्ति महिषासुरमर्दिनी है व भैरव क्रोधिश है। यहाँ माँ लक्ष्मी का निज स्थान माना जाता है। श्री पर्वत शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ को विद्वानों में मतांतर है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थान लद्दाख है, जबकि कुछ का मानना है कि असम के सिलहट में यहाँ माता यह स्थित है। यहाँ पर माता की कनपटी गिरी थी और यहाँ की शक्ति श्री सुंदरी है और भैरव सुंदरानंद है। विशालाक्षी शक्तिपीठ, यह उत्तर प्रदेश वाराणसी के मीर घाट पर स्थित है। यहाँ पर माता सती के दाहिने कान के मणि गिरे थे। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी है व भैरव काल भैरव है। गोदावरी शक्तिपीठ, यह आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी तट पर स्थित है। माता का बाया कपोल यहाँ गिरा था। यहाँ की शक्ति विश्वेश्वरी या रुक्मणी कही जाती है और यहाँ के भैरव दंडपाणि है। सुचिंद्रम शक्तिपीठ, यह तमिलनाडु कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थित पर स्थित है। यहाँ सती के उफद्वदंत गिरे थे। यहाँ की शक्ति नारायणी के नाम से प्रसिद्ध है और भैरव सहार भैरव या संकुर भैरव माने जाते हैं। पंचसागर शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान नहीं है। माता के नीचे के दांत यहाँ पर गिरे थे और यहाँ की शक्ति का नाम बारा ही है और भैरव का नाम महारुद्र है। ज्वालामुखी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। सती की जीवा यहाँ गिरी थी। शक्ति का नाम सिद्धिदा है और भैरव का नाम उन्मत्त है। भैरव पर्वत शक्तिपीठ, इसको गुजरात के गिरनार के निकट और मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी के तट पर मानते हैं। दोनों ही जगह पर माना जाता है। यहाँ पर माता का उफद ओष्ठ गिरा था। यहाँ की शक्ति अवंती है व भैरव लंबकर्ण है। अट्टहास शक्तिपीठ, यह पश्चिम बंगाल के लापुर में स्थित है। यहाँ माता का अधोष्ठ यानी कि नीचे का होंठ गिरा था। शक्ति का नाम प्रफुल्लरा है और भैरव विश्वेश है। जनस्थान शक्तिपीठ महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी में स्थित है। माता की ठुड्डी गिरी थी। शक्ति का नाम भ्रामरी है और भैरव विकृताक्ष है। काश्मीर शक्तिपीठ या अमरनाथ शक्तिपीठ जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है। माता का कंठ यहाँ गिरा था। शक्ति का नाम महामाया है और भैरव त्रिसंदेश्वर है। नंदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के संथैया में स्थित है। यहाँ पर देवी का कंठ हार गिरा था। शक्ति नंदिनी है और भैरव निंदकेश्वर है। श्री शैल शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास है। माता की ग्रीवा यहाँ गिरी थी। माता का नाम महालक्ष्मी है और भैरव का नाम संवरानंद या ईश्वरानंद है। नलहटी शक्तिपीठ, यह पश्चिम बंगाल के बोलपुर में है। माता की उदर नली गिरी थी यहाँ पर। शक्ति का नाम कालिका है और भैरव योगीश है। मिथिला शक्तिपीठ नेपाल के जनकपुर में स्थित है। माता का वाम स्कंद गिरा था यहाँ पर। माता का नाम महादेवी या उमा है और भैरव का नाम
महोदर है। रत्नावली शक्तिपीठ, तमिलनाडु के चेन्नई में कहीं स्थित है। माता का दक्षिण स्कंध यहां गिरा था। यहां की शक्ति कुमारी है, वो भैरव शिव है। अंबाजी शक्तिपीठ, यह गुजरात में स्थित है। यहां पर माता का हृदय गिरा था। माता का नाम अंबाजी माता है और भैरव बटुक भैरव है। जालंधर शक्तिपीठ, पंजाब के जालंधर में स्थित है। वाम स्तन यहां पर गिरा था। माता का नाम त्रिपुर मालिनी है, वो भैरव भीषण है। रामागिरी शक्तिपीठ, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है। माता का दाहिना स्तन गिरा था। यहां की शक्ति शिवानी है, वो भैरव प्रचंड है। बेतिनाथ शक्तिपीठ, झारखंड के गिरिहीड देवदर स्थित में स्थित है। माता का हृदय यहां पर गिरा था। माता का नाम जय दुर्गा है, वो भैरव का नाम बेदिनाथ है। एक मान्यता के अनुसार सती का दाह संस्कार भी यहीं पर हुआ था। वक्रतोश्वर शक्तिपीठ, माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सेंथैया में स्थित है। माता का मन यहां गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषमर्दिनी है और भैरव का नाम वक्त्रानाथ है। कन्याकुमारी शक्तिपीठ, तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तीन सागरों हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। माता की उद्वदंत यहाँ पर गिरा था। माता का नाम सर्वाणी है, वह भैरव का नाम निमिषी या स्थाणु है। बहुला शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतु ग्राम में स्थित है। माता का वाम बाहु यहां पर गिरा था। शक्ति का नाम बहुला है और भैरव भीरुक है। उज्जयिनी शक्तिपीठ, मध्य प्रदेश के उज्जैन के पावन क्षिप्रा के दोनों तटों पर स्थित है। जहां माता की कुहुनी गिरी थी, यहाँ पर शक्ति का नाम मंगल चंडिका है और भैरव मांगल्य कपिलंबर है। मणिवेदिका शक्तिपीठ, राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। गायत्री मंदिर के नाम से जाना जाता है। माता की कलैया यहाँ पर गिरी थी और शक्ति का नाम गायत्री है और भैरव सर्वानंद है। प्रयाग शक्तिपीठ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। माता की अंगुलियां यहां पर गिरी थी। शक्ति का नाम ललिता है और भैरव का नाम भव है। उत्कल शक्तिपीठ, यह उड़ीसा के पुरी और याजपुर में माना जाता है। माता की नाभि यहां पर गिरी थी। शक्ति का नाम विमला है और भैरव का नाम जगन्नाथ पुरुषोत्तम है। कांची शक्तिपीठ, तमिलनाडु के कांचीवरण में स्थित है। माता का कंकाल यहाँ पर गिरा था। माता का नाम देवगर्भा है और भैरव का नाम रूरू भैरव है। काल माधव शक्तिपीठ, इसका कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है। यहाँ माता का वाम नितंब गिरा था। यहाँ की शक्ति काली है और भैरव का नाम अतिसांग है। शौर्ण शक्तिपीठ, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा नंदी शौर्ण शक्तिपीठ है। यहाँ माता का नितंब गिरा था। यहाँ की शक्ति का नाम सोनाक्षी है, वो भैरव भद्रसेन है। कामाख्या शक्तिपीठ, असम के गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है। माता की योनि यहाँ पर गिरी थी। माता का नाम कामाख्या है और भैरव उमानंद है। जयंती शक्तिपीठ, मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है। माता की वाम जंघा यहाँ पर गिरी थी। शक्ति का नाम जयंती है और भैरव क्रमदीश्वर है। मगध शक्तिपीठ, बिहार की राजधानी पटना के में पटनेश्वरी देवी को ही मगध शक्तिपीठ माना जाता है।
माता का दाहिनी जंगा यहाँ पर गिरी थी। माता का नाम सर्वानंद करी है और भैरव व्योमकेश है। त्रिस्तोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के शालवाड़ी गांव में स्थित है। माता का वामपाद यहाँ पर गिरा था। यहाँ की शक्ति का नाम भ्रामरी है, वो भैरव ईश्वर है। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ यह त्रिपुरा के राधा किशोर ग्राम में स्थित है। माता का दक्षिण पाद यहाँ पर गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी के नाम से जानी जाती है और भैरव का नाम त्रिपुरेश है। विभाष्प शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के त्रामतुक गांव में स्थित है। माता का वाम टखना यहाँ पर गिरा था। यहाँ की शक्ति कपालिनी है तथा भैरव सर्वानंद है। देवीकूट शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन के निकट द्वेपायन सरोवर के पास स्थित है। भद्रकाली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माता का दाहिना चरण गिरा था और शक्ति का नाम सावित्री है तथा भैरव स्थाणु है। युगाद्या शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में क्षीर ग्राम में स्थित है। माता का दाहिनी चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ की शक्ति जुगाड़िया है और भैरव क्षीर खंडक है। अंबिका शक्तिपीठ राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के विराट गांव में स्थित है। सती के दाएं पांव की उंगलियां यहाँ गिरी थी। यहाँ की शक्ति अंबिका है और भैरव अमृत है। कालीघाट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल कोलकाता के कालीघाट में काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जहाँ माता के दाएं पांव का अंगूठा गिरा था। जहाँ माता के दाएं पांव के अंगूठे को छोड़कर चार अन्य उंगलियां यहाँ पर गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका है और भैरव नकुलेश है। मानस शक्तिपीठ तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है, जहाँ माता के दाहिने हथेली का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति दाक्षायणी है और भैरव अमर है। लंका शक्तिपीठ श्रीलंका में स्थित है। माता का नूपुर यहाँ पर गिरा था। शक्ति का नाम इंद्राक्षी है और भैरव राक्षसेश्वर है। गंडकी शक्तिपीठ यह गंडकी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है, नेपाल में स्थित है। सती के दक्षिण गंड कपोल यहाँ पर गिरा था। शक्ति का नाम गंडकी है और भैरव चक्रपाणी है। गुहेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास स्थित है। माता सती के दोनों घुटने यहाँ पर गिरे थे। यहाँ की शक्ति महामाया है और भैरव कपाल है। हिंगलाज शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। माता का ब्रह्मरंध्र यहाँ पर गिरा था। शक्ति का नाम कोटरी है और भैरव भीमलोचन है। सुगंधा शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना में सुगंध नदी के तट पर स्थित है। माता की नासिका यहाँ पर गिरी थी और यहाँ की देवी का नाम सुनंदा है और भैरव त्रयंबक है। करतोया घाट शक्तिपीठ बांग्लादेश के भवानीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर स्थित है। माता का वाम तल्प यहाँ पर गिरा था। देवी का नाम अपर्णा है और वामन भैरव के रूप में शिववास करते हैं। चट्टल शक्तिपीठ बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। माता की दाहिनी बाहु यहाँ पर गिरी थी। शक्ति का नाम भवानी है और भैरव चंद्रशेखर है। यशोर शक्तिपीठ बांग्लादेश के जैसोर खुलना में स्थित है। माता की बाई हथेली यहाँ पर गिरी थी। शक्ति का नाम यशोरेश्वरी है तथा भैरव चंद्र है। इस प्रकार आज हमने माता के 51 शक्तिपीठों के बारे में जाना, उनके दर्शन किए, उनके भैरव के नाम के बारे में भी जाना। एक बार फिर से माँ हिंगलाज को याद कर लेते हैं। ब्रह्मरंध्र हिंगुलायाम भैरव भीम लोचन कोटरीसा महामाया त्रिगुणाया दिगंबरी। समाज में धर्म व ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।